उन्हें गुमा था कि मेरी उड़ान कुछ कम है, मुझे यकीन था मगर ये आसमान कुछ कम है। या फिर यूं भी कह सकते हैं कि मैं आंधियों के पास तलाशे सबा हूं, तुम मुझसे पूछते हो मेरा हौसला क्या है। किसी के हौसले पर तो 9 जून 2013 को भी उसके विरोधियों ने उंगलियां उठाई, उसके सामर्थ्य पर शक पैदा किया, दुनिया को बहकाने की कोशिश की। गुजरात की सरकार चलाने वाले डर और मौत के सौदागर हैं। Anyways, it is a call to vote against Mr. Modi. हिटलर से भी ज्यादा हिटलर देश में बन गया आप लोगों ने। इसको लगता है कि ये आदमी बहुत नीच किस्म का आदमी है, इसमें कोई सभ्यता नहीं है। लेकिन उसने अपनी हिम्मत, अपने हौसले और अपनी काबिलियत से कुछ इस लहजे में जवाब दिया कि वक्त आने दे, दिखा देंगे तुझे आसमान। हम अभी से क्या बताएं, क्या हमारे दिल में है। और फिर वक्त आने पर बता भी दिया, उनकी जड़ें उखाड़ दी और देश को दुनिया में नई पहचान दिलाई। कुछ ऐसी थी उसकी झलक। असक्त और फौलादी इरादों के साथ साथ जिसके अंदर संवेदनशीलता है, ऐसा नेतृत्व यदि किसी के पास है तो वह केवल भारतीय जनता पार्टी के पास है, और उस नेतृत्व का नाम है श्री नरेंद्र मोदी, जिन्हें हम अपने प्रधानमंत्री के रूप में 2014 के लोकसभा चुनाव में देखना चाहते हैं। 2014 का चुनाव एक आशा और अरमान का चुनाव। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो लोग पत्थर फेंकते हैं मुझ पर, मैं उन पत्थरों से ही पक्षी बना देता हूं और उसी पक्षी पर चढ़कर के आगे चलता हूं। अब आलम यह है कि उंगलियां उठाने वाले वही विरोधी बेचारे खुद अपना अस्तित्व बचाने के लिए एक दूसरे का अंगूठा पकड़ रहे हैं, और दुनिया नरेंद्र दामोदर दास मोदी के हौसले को देखकर कह रही है कि जो तूफानों में पलते हैं, अरे वही तो दुनिया बदलते हैं।